हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोनेबल फंड थ्योरी या न्यू क्लासिकल थ्योरी की। ये आपके स्विस इकोनॉमिस्ट विक्सल, ओलिन, मृदाल और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जो रॉबर्टसन, उनके द्वारा प्रोपाउंड की गई है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करती है ये थ्योरी। कहाँ पर ये कहती है कि जहाँ पर डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इक्वल होंगे वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगा। ये थ्योरी मॉनेटरी फैक्टर्स को और रियल फैक्टर्स को दोनों को एक साथ लेकर चलती है। मॉनेटरी फैक्टर्स में इसमें होल्डिंग ऑफ मनी, डिस होल्डिंग ऑफ मनी और बैंक क्रेडिट को लिया गया है। वहीं रियल फैक्टर्स में इस थ्योरी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को शामिल किया गया है। पहले हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड किन किन सोर्सेज पर डिपेंड करती है? पहला मेन सोर्स है सेविंग्स का। सेविंग्स कौन कर सकता है? इंडिविजुअल बंदा भी कर सकता है, फिर बिजनेस सेक्टर भी कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है। और तीनों की सेविंग किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? एक तो इनकम कितनी है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। मेनली रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेविंग को डिफाइन करता है या डिसाइड करता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ज़्यादा होगा तो सेविंग ज़्यादा की जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सेविंग कम की जाएगी। तो सप्लाई कर्व जो सेविंग का है वो अपवर्ड स्लोपिंग पाया जाता है। दूसरा सोर्स है बैंक क्रेडिट। बैंक में भी जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगी तो बैंक ज़्यादा इच्छुक होगा क्रेडिट क्रिएट करने का और लोनेबल फंड्स को लोन के लिए परस्यू करने के लिए। यदि इसके विपरीत आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम पाई जाएगी तो बैंक भी कम क्रेडिट जनरेट करना चाहेंगे। तीसरा सोर्स है डिसहोल्डिंग्स। डिसहोल्डिंग्स का क्या मतलब है? जो पास्ट में लोगों ने होल्डिंग कर रखी थी उस होल्डिंग को वो लोन के रूप में फर्दर देने के लिए तैयार हो जाए। और लोग अपने पिछले होल्डिंग्स को लोन के रूप में कब देना चाहेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें हाई मिलेगा, अदरवाइज वो ये करने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? कि जो आपने अमाउंट रखा था इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप जो भी डेप्रिसिएशन होगा, जो भी आपकी वियर एंड टीयर होगी और पुरानी मशीन्स हो जाएंगी, उनको रिप्लेस करेंगे, लेकिन आप उसको इन्वेस्ट ना कर फर्दर लोन के रूप में दे देते हैं। और ऐसा कब किया जाता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट में काफ़ी हाई दिखाई दे तो डेप्रिशिएटेड मशीन्स को नॉन रिप्लेसमेंट किया जाएगा, या आप इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो आपका जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पर जो डिफरेंट चार अलग सोर्सेज से मिलकर बना है। सेविंग्स आ गए, बैंक क्रेडिट आ गए, डिसहोल्डिंग आ गए और डिसइन्वेस्टमेंट आ गए। इन सब सोर्सेज से हमारे पास सप्लाई हो रही है लोनेबल फंड्स की। दूसरा हम बात करते हैं डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स की बात करेंगे तो पहली डिमांड होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो किसी भी प्रोड्यूसर के थ्रू की जाती है। और यदि लो इंटरेस्ट रेट होगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा फंड्स की डिमांड करेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा आपका जो पर्पज़ है वो कंजम्पशन पर्पज़ है, यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर है वही आपके लोनेबल फंड्स की डिमांड करे, ये ज़रूरी नहीं है। जो कंज्यूमर है, यदि उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसकी इनकम कम है, तो वो भी लोनेबल फंड्स की डिमांड करता है और वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा लोनेबल फंड्स की डिमांड करेगा, हाई पर कम। फिर है होल्डिंग्स, यानी कि लोग कुछ पैसे को यदि होल्ड करके फ्यूचर के लिए रखना चाहें तो वो होल्डिंग के लिए भी लोनेबल फंड्स की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ये भी लो इंटरेस्ट रेट पर ही होती है। तो टोटल जो आपकी लोनेबल फंड्स की डिमांड है वो किन किन चीज़ों को मिलाकर बनी? इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस होल्डिंग्स। फिर हमें करना है डिटरमिन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिटरमिन होगा? हमने शुरू में ही कहा था, जहाँ डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इक्वल हो जाएगा वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगा। यानी डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स की इक्वेशन हमने लिख दी इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस होल्डिंग्स। तीन अलग अलग पर्पसेस जिनके लिए डिमांड हो रही थी लोनेबल फंड्स की, इधर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की इक्वेशन लिखी, यानी वो अलग अलग सोर्सेस जहाँ से आपके सप्लाई हो रही है, जो फैक्टर सप्लाई कर रहे हैं लोनेबल फंड्स की। जहाँ सेविंग की बात करते हैं, बैंक क्रेडिट की बात करते हैं, डिसहोल्डिंग और डिसइन्वेस्टमेंट की बात। फिर हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया है, आई वाली टर्म्स एक साथ कर ली, एच वाली टर्म्स एक साथ और एस माइनस सी प्लस बी, यानी कि आई वाली टर्म्स एक साथ करी तो आई यहाँ था, डी आई यहाँ था, प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया, प्लस एच यहाँ था, यहाँ पर डी एच था, प्लस का था, माइनस का हो गया, एस यहाँ है और एस के
एस यहाँ है, एस के साथ ये जो सी प्लस का है ये इधर जाकर माइनस का हो जाता है, प्लस बी यानी कि बैंक क्रेडिट। तो यहाँ पर आई में से जब आप डी आई माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, इन्वेस्टमेंट माइनस डिसइन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग में से आप डिस होल्डिंग माइनस कर देंगे आपको क्या मिलेगा, नेट होल्डिंग। फिर यहाँ सेविंग में से आपने कंजम्पशन माइनस की तो आपके पास क्या आया, नेट सेविंग प्लस बैंक क्रेडिट। तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है जो कि कहाँ से डिराइव हुई है, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की इक्वालिटी से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिमांड कहाँ डिटरमिन होगा, जहाँ आपकी टोटल डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इक्वल हो जाते हैं। इसी चीज़ को फिर डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, दो पार्ट्स में, ए और बी पार्ट में एक्स एक्सिस पर लोनेबल फंड्स लिए गए हैं दोनों में और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए पार्ट की बात करते हैं पहले, इसमें डिसएग्रीगेटेड फॉर्म में आपके दिखाया गया है डिफरेंट सोर्स ऑफ सेविंग्स को प्लस डिमांड फॉर जो कैपिटल्स आप कह रहे थे उसको और सप्लाई ऑफ कैपिटल को। तो डिमांड फॉर कैपिटल आपकी किस किस चीज़ के लिए हो रही थी, इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजम्पशन के लिए, होल्डिंग के लिए, तीनों के कर बना दिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है तीनों के कर, क्योंकि एक इन्वर्स रिलेशन पाया जाएगा इनमें से किसी भी पर्पज़ के लिए आप डिमांड करें लोनेबल फंड्स की। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ज़्यादा होगा तो लोनेबल फंड्स की डिमांड कम होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोनेबल फंड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, इसीलिए ये तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हैं। फिर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाए गए डिसहोल्डिंग के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए, बैंक क्रेडिट के लिए, यानी सप्लाई जहां से भी हो रही है सप्लाई ऑफ कैपिटल के अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो कि क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। यानी इनमें से कहीं से भी सप्लाई होनी हो सेविंग की आपके, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोनेबल फंड्स की सप्लाई ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोनेबल फंड्स की सप्लाई कम होगी। अब इन तीनों सप्लाई, चारों सप्लाई के जो भी सोर्सेज हैं इनको जोड़कर टोटल सप्लाई आपकी ड्रॉ की गई है, प्लस ये जो तीनों अलग अलग सोर्सेज हैं डिमांड फॉर कैपिटल के इनको जोड़कर टोटल डिमांड बनाई गई है। और टोटल डिमांड ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल और टोटल सप्लाई ऑफ कैपिटल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ई पॉइंट पर डिसाइड हो रहा है इक्विलिब्रियम पर, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। विक्सल ने दो तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ बात की है, एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, दूसरा नेचुरल रेट की। तो जहाँ पर टोटल डिमांड फॉर लोनेबल फंड और टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इक्वल होंगे वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये सेविंग कर्व है एस का डाउन अपवर्ड स्लोपिंग और ये इन्वेस्टमेंट कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ इक्वल होंगे वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगी एन जो शो कर रहा है वो आपकी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। फिर बात करते हैं थ्योरी के ड्रॉबैक्स की। पहली ड्रॉबैक क्या है, ड्यूबियस कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये कहा गया है कि जितने ज़्यादा आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उतनी कम होल्डिंग्स होंगी, और जितनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उतनी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई जा सकती है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके होल्डिंग में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया कि मनी सप्लाई पर होल्डिंग्स डिपेंड करती हैं, मनी सप्लाई अपने आप में किसी गिवन टाइम पर किसी इकोनॉमी में कांस्टेंट होती है, इसीलिए जो टोटल होल्डिंग्स हैं वो भी इकोनॉमी में कांस्टेंट होंगी। तो किसी एक पर्सन के द्वारा बढ़ाई गई होल्डिंग्स का मतलब है कि किसी दूसरे पर्सन की होल्डिंग्स कम हो रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम है इंडिटर्मिनेट थ्योरी। जैसे कि हम क्लासिकल थ्योरी में भी बात कर रहे थे कि एक सर्कुलर फ्लो पाया जाता है जहाँ पर पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को डिसाइड कर रही है, वही सर्कुलर फ्लो यहाँ भी पाया जाता है इस थ्योरी में। ये थ्योरी क्या कहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिंड बाय लोनेबल फंड्स, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ से डिटरमिन होगा, लोनेबल फंड से, और लोनेबल फंड फर्दर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, इनकम पर। इनकम ज़्यादा होगी तो लोनेबल फंड ज़्यादा होंगे, सेविंग ज़्यादा होंगे, और इनकम किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पर, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगी, और फर्दर इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ को डिसाइड कर रहा है, लोनेबल फंड्स को। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किससे हो रहा है, लोनेबल फंड से। तो एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लोनेबल फंड की क्वांटिटी को डिसाइड कर रहा है, दूसरी तरफ लोनेबल फंड
इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर रही हैं, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, यहाँ पर मॉनेटरी और रियल फैक्टर दोनों को हम थ्योरी में साथ लेकर चले हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ऐसे में दोनों को सेपरेटली स्टडी किया जाना चाहिए। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो थ्योरी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन लेकर चलती है, लेकिन रियल लाइफ में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्रिवेल नहीं करती। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होगी तो ये थ्योरी अपने आप में अप्लाई नहीं हो सकती। लास्ट पॉइंट जो है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। थ्योरी क्या कहती है कि पीपल कब ज़्यादा सेव करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं होता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही हाई होगा वैसे ही इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फर्दर प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों के पास कम इनकम जनरेट होगी, कम इनकम जनरेट होगी तो लोग कम सेव कर पाएंगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने के कारण सेविंग कम हो जाती है। तो जो थ्योरी कहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो सेविंग बढ़ेगी, ये हमेशा हर कंडीशन में सही नहीं पाया जाता है।